हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 10 मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल्स इन हिंदी, यानी कि 10 सबसे बुद्धिमान जानवरों की सूची और उनके रोचक तथ्यों के बारे में हम जानेंगे। तो नंबर 10 पे है बेल। किसी ग्रुप को कैसे मैनेज करना है और टीम को काम कैसे करना है, यह बेल बेहतरी से सिखाती है। रिसर्चर्स की माने तो बेल अपने ग्रुप में किसी काम को सही तरीके से न होने पर वो गुस्सा तक जाहिर करती है। उसके शरीर के अन्य अंगों की तुलना में ब्लू व्हेल का मस्तिष्क बहुत छोटा होता है और उसका वजन केवल 6.92 किलोग्राम होता है, जो उसके शरीर के वजन का केवल 0.007% है। ब्लू व्हेल की सबसे अनोखी बात यह है कि यह 90 दिनों तक बिना सोए रह सकती है। सोते समय उसका दिमाग आधा जागा और आधा सोया हुआ होता है। नंबर 9 पे है ऑक्टोपस। हर बुद्धिमान जानवर में रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। हम बाकी वर्टिब्रेट्स जो कि हड्डी वाले जानवर होते हैं उनकी हम बुद्धिमत्ता से परिचित हैं, पर कुछ ऐसे इनवर्टिब्रेट्स जो कि बिना हड्डी वाले जानवर भी हैं जो काफ़ी बुद्धिमान होते हैं। हम बात कर रहे हैं ऑक्टोपस की। अमेरिकी वैज्ञानिक के अनुसार 60% न्यूरॉन्स ऑक्टोपस के बाहों में होते हैं, फिर भी उनके पास काफ़ी बड़ा मस्तिष्क है। इस समुद्री जीव के पास अपनी प्रतिभा है। अपने भारी शरीर के साथ एक छोटे से शेड से निकल जाना, खुद को बचाने के लिए एक्वेरियम टैंक की चढ़ाई पकड़ जाना, जार के ढक्कन को खोल देना, इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। नंबर 8 पे है पिग, यानी कि सुअर। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कॉरपोरेटिव साइकोलॉजी के अनुसार सुअर मनुष्य का सबसे अच्छा दोस्त हो सकता है। कुत्तों की तरह सुअर भी इंसानी भावनाओं को समझ सकते हैं। पहेलियों को हल करने में इसका कोई जोर नहीं है। सुअर की बुद्धिमत्ता जानने के लिए एक रिसर्च किया गया था, जहां ब्रिटिश पिगलेट्स को अपने खाने तक जाने के लिए आईने का इस्तेमाल करके रास्ता खोजना था। उस सुअर ने कुछ ही घंटों में काम पूरा किया। इसे सीखने में मानव बच्चे कई महीने तक लगा देते। नंबर 7 पे है क्रो, यानी कि कौवा। कौवे को काफ़ी इंटेलिजेंट माना जाता है। वे एकमात्र ऐसे पक्षी हैं जो कठिन काम को आसान बनाने की तरीका को ढूंढ सकते हैं। इंसानी चेहरे को कौवे अच्छी तरह से पहचानते हैं, साथ ही शिकारी और मानव चेहरे में अंतर भी कर सकते हैं। यह एक दूसरे के साथ बात भी कर सकते हैं। यदि आप एक कौवे के साथ गलत करते हैं तो वह अपने सब रिश्तेदारों को यह सब बताता है और वह आप पर हमला कर सकते हैं। ऐसे ही जब आप एक की मदद करते हैं तो वे यह भी बताते हैं कि उसने हमारी मदद की है, और सब कौवे हमारी मदद भी करते हैं। नंबर 6 पे है डॉग। दुनिया के कई देशों में सबसे ज़्यादा पाला जाने वाला जानवर कुत्ता है। यह भी बुद्धिमान जानवर की लिस्ट में आता है। यह न केवल प्यारे होते हैं बल्कि ये होशियार भी होते हैं। इंसानों के साथ रहने के बाद कुत्तों की भावनाओं में ज़बरदस्त बदलाव आते हैं। वे अपने मालिकों को पहचानते हैं और अपने मालिक के प्रति इतने वफादार होते हैं कि अगर इनके मालिक पर कोई मुसीबत आती है तो ये मालिक को बचाने के लिए अपनी जान तक भी दे सकते हैं। यही नहीं, सिर्फ इसके अलावा कोई और भी ऐसी चीज़ें हैं जो कुत्ते कर सकते हैं। रिसर्च के मुताबिक कुत्ता 2 साल के बच्चे की तरह स्मार्ट होता है। इस रिसर्च के अनुसार कुत्ते औसतन 165 शब्द 2 साल के बच्चे के समान सीख सकते हैं। साथ ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो कुत्ते कर सकते हैं बल्कि इंसान नहीं। नंबर 5 पे है एलिफेंट। कहा जाता है कि एक हाथी कभी नहीं भूलता। यह सिर्फ एक अंधविश्वास या एक स्टीरियोटाइप लाइन नहीं है, यह एक सच है। हाथियों की याददाश्त काफ़ी अच्छी होती है। एक हाथी के ब्रेन में एक ह्यूमरॉन ब्रेन के जैसे कई न्यूरॉन्स होते हैं जो उनकी याद रखने की क्षमता को बढ़ा देते हैं। वे कई वर्षों तक अपने इलाकों, रास्ते, पानी के सोर्स को याद करने में सक्षम होते हैं। वे कभी भी अपने दोस्त को नहीं भूलते। रिपोर्ट के अनुसार हाथी आईने में देखने में भी सक्षम होते हैं और वे यह भी पहचानते हैं कि जो प्रतिबिंब उसे घूर रहा है वह उनका ही है। यह कुछ ऐसा है जो बुद्धिमान कुत्ते भी पूरा नहीं कर सकते। हाथियों के पास थल की किसी भी जानवर के मुकाबले सबसे बड़ा मस्तिष्क होता है, इसलिए हाथी किसी भी बात को बहुत जल्दी ही समझ लेता है और इंसानों की तरह फुटबॉल, बास्केटबॉल इत्यादि खेल सकता है। नंबर 4 पे है पैरट। तोते को इंसान के बच्चे जितना ही स्मार्ट माना जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक यह एक तोते 3 साल के बच्चे की तरह ही स्मार्ट होते हैं। तोते इंसानों की आवाज़ों को की नकल कर सकते हैं और इस अनोखी काबिलियत की वजह से तोते बुद्धिमान जानवरों की सूची में होते हैं। तोते की प्रजाति में अफ्रीकन ग्रे तोता सबसे बुद्धिमान होता है, जो अपनी मेमोरी पावर और गिनती करने की क्षमता के लिए जाना जाता है।
एलेक्स नाम के एक तोते पर 30 साल के रिसर्च के बाद यह रिजल्ट निकला कि वह 5 साल के बच्चे जैसे स्मार्ट हैं। एलेक्स ने 50 अलग अलग वस्तुओं, आकृतियों, अलग अलग रंगों को पहचानने में सक्षम था। यही नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं, वह 100 से भी ज़्यादा वर्ड को याद रख सकता था। नंबर 3 पे है रैकून। साल 1908 में हुए एक रिसर्च के मुताबिक H.B. डेविड जो कि एक साइंटिस्ट थे, उनको पता चला कि रैकून 10 से भी कम कोशिकाओं में जटिल से जटिल ताले खोलने में सक्षम है। भले ही उस ताले को फिर से सेट कर दिया गया था या उल्टा सीधा नंबर घुमाया गया था, इससे पता चलता है कि रैकून का दिमाग बहुत तेज होता है, जो कई सालों तक इसे याद रखते हैं। रैकून की सुनने की क्षमता इतनी तेज है कि वे धरती के अंदर चलते हुए केंचुओं की आवाजों को भी सुन सकते हैं। नंबर 2 पे है डॉल्फिन। डॉल्फिन भी इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। डॉल्फिन का ब्रेन काफी बड़ा होता है, इसलिए इसे पानी के सबसे बुद्धिमान जानवर माना जाता है। डॉल्फिन काफी समझदार जीव है और अपनी भावनाओं को दिखाने की क्षमता होती है। पानी में रहने वाला यह एकमात्र से जीव है जो इंसानों से आसानी से दोस्ती कर लेती है। अगर डॉल्फिन किसी भी इंसान से एक बार दोस्ती कर ले तो वह जब तक जीवित रहती है उस इंसान के चेहरे को कभी नहीं भूलती। सबसे अजीब बात यह है कि डॉल्फिन के बारे में कहा जाता है कि वे अपने साथी के साथ किसी भी संवाद को लगभग 20 सालों तक याद रख सकती हैं। और नंबर 1 पे है चिंपैंजी। चिंपैंजी को दुनिया का सबसे बुद्धिमान जानवर माना जाता है क्योंकि ये जीव हूबहू इंसानों की नकल कर सकते हैं। वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि अगर चिंपांजी को ट्रेनिंग दी जाए तो वे इंसानों की तरह बोल सकता है। चिंपांजी को बहुत ही जल्द किसी भी इशारे को समझ जाते हैं। यही वजह है कि इसे सबसे बुद्धिमान जानवरों के में से एक माना जाता है। चिंपांजी में चिंपांजी, गोरिल्ला और ओरंगुटन इत्यादि भी शामिल होते हैं। नेशनल ज्योग्राफिक के अनुसार वे शब्दों को सीख सकते हैं और चीजों के साथ खेल सकते हैं। चिंपांजी के पास कठिन काम को आसान बनाने का अपना ही तरीका होता है। सबसे अजीब बात तो ये है कि इनका डीएनए इंसानों के डीएनए से 90% तक मेल खाता है। तो ये थे दोस्तों आज के टॉप 10 मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल्स इन द वर्ल्ड। आपको इन सब में से कौन सा अच्छा लगा कमेंट में जरूर बताएं और आने वाले ऐसे ही फैक्ट्स जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें एनिमल फैक्ट हिंदी। धन्यवाद।